नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश भालेराव। आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं मराठी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग कैसे करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फोटोशॉप में हो, प्रीमियम प्रो में हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे सॉफ्टवेयर में आप मराठी हिंदी टाइपिंग एकदम ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, गूगल इनपुट टूल इस्तेमाल करके हम मराठी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। और जो फॉन्ट भी डाउनलोड करेंगे वो भी है गूगल के ही फॉन्ट, गूगल के फ्री फॉन्ट है, मिलते हैं। वो कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो इस वीडियो में आप सब सीख लेंगे। तो इसके लिए एक लाइक बनता है वीडियो के लिए, और जरूर लाइक करना और कमेंट भी करना आपको ये वीडियो कैसे लगता है। ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं ऑफलाइन के ही बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो भी आप मराठी टाइपिंग ईजी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका था कि एक आपके पास मराठी फॉन्ट होना चाहिए। वो फॉन्ट भी एक अलग अलग तरीके के होते, कीर्ति होते, या देवनागरी होते, या मैन होते, बहुत सारे अलग अलग होते। उसके जो टाइपिंग करने का जो तरीका भी होता है वो भी बहुत अलग अलग होता है, मुझे भी ज़्यादा तक आता नहीं है। तो भी ये जो गूगल इनपुट टूल है इसे कैसे करना है, जो भी इंग्लिश की वर्ड आप टाइप करोगे वो अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मेरा नाम है सतीश, तो मैं मराठी टाइपिंग कैसे करना करता हूँ, SATISH इंग्लिश में लिख लिया, वो अपने आप मराठी में हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर में जाना है, तो गूगल में टाइप करता हूँ यहाँ पर, और जो वेबसाइट है वो है rajbhasha.net। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करना है rajbhasha.net। ओके, तो आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी। स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, इधर देखिए आपका हिंदी टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें आपको चॉइस करना है ऑफलाइन गूगल हिंदी इनपुट MS हिंदी। ओके, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर करने के बाद एक न्यू विंडो खुलेगी। ठीक है, अब जाना है गूगल के टूल पर। गूगल के टूल पे जाने के बाद में आपको मराठी टाइपिंग करना है या हिंदी टाइपिंग करना है, तो आप यहाँ से विभिन्न इनपुट भाषाएं यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक विंडो आ गई, और इसमें नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए आपके सारे की सारी भाषा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें आपको जो चॉइस करना है वो देखिए यहाँ पर 64-bit है, गूगल इनपुट टूल ऑफलाइन इंस्टॉलेशन बंगाली, गुजराती, कनाडा। ठीक है, गूगल इनपुट टूल ऑफलाइन इंस्टॉलेशन मराठी है, मलेशिया है, नेपाल है, उड़ीसा है, पंजाबी है, संस्कृत है। ओके, तो इसमें भी सारे फॉन्ट है। तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करना है गूगल इनपुट टूल। यहाँ पर रोबोट है कि नहीं ये चेक कर लेता है कंप्यूटर, तो इसमें सबमिट करना है। तो ये कुछ चीज़ पूछेगा, नहीं पूछा इस बार, तो यहाँ पर आप सेव कीजिए। ओके, तो ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हिंदी भी डाउनलोड करके रखना है, तो हिंदी कैसे करेंगे, तो हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी भी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में आइए, और हिंदी में आने के बाद में नीचे आना है, और यहाँ पर है गूगल हिंदी इनपुट विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। ये 32-bit है, आप हमको चाहिए 64-bit, तो यही है। ओके, ऊपर तो इसको भी डाउनलोड कर रखना है, तो अपनी हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको शो इन फोल्डर, तो शो इन फोल्डर हो गया अपना, जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है वो हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड चालू है। तो इसको इंस्टॉलेशन करना है, रन करना है, मैंने पहले ही किया है, तो मेरा पहले मराठी लैंग्वेज है, मैं इसको अनइंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, और इसको अनइंस्टॉल कैसे करना है वो भी आपको समझा देता हूँ। मेरा पहला सबसे पहला जो है यहाँ पर है गूगल इनपुट टूल इंस्टॉलेशन है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, फिर से आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। अनइंस्टॉल हो गया अभी टूल, अभी मराठी, हिंदी
कुछ भी टूल नहीं, अभी दोनों भी डाउनलोड हो गया अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर आपने डाउनलोड हो गया तो इसको रन करना है। तो रन करने के लिए मैं मराठी पहले रन करता हूँ। यस फिनिश, यस फिनिश, और हिंदी भी करता हूँ। ओके मराठी और हिंदी दोनों भी करता हूँ। ओके तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मराठी और इंग्लिश तीनों भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट स्पेस से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैं एक वर्ल्ड की फाइल लेता हूँ। ओके वर्ड ले लिया, न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए मैं मेरा नाम टाइप करता हूँ, एस ए टी आई एस एच, ये तो हो गया अपना इंग्लिश नाम। ओके अगर मुझे मराठी करना है तो मैं स्टार्ट और स्पेस बार दबाता हूँ तो हिंदी आ गया। ओके एस ए टी आई एस एच, ओके मेरे पिताजी का नाम है जी यू एल ए बी, स्पेस बार बी एच ए एल ई आर ए ओ भले हो। ओके और भी शादी का जो भी जितना नाम आपको लिखना है सारे नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पर भी, फोटोशॉप में करना है तो फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं आपको फोटोशॉप में भी इंस्टॉलेशन, फोटोशॉप में भी चलता है, दोनों भी हो मराठी हिंदी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो भी विंडोज़ है सारे विंडोज़ में चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं टाइप लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके अगर मुझे आगे भी डाउन करना है तो देखिए मैं मेरा भाई का नाम करता हूँ और मराठी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, दूसरा ओके और आगे भले रहो फिर और भी कुछ शुभ मंगल, शुभ मंगल। ओके शुभ मंगल झालं तर आपण इथं याच्यावर त्यानुसार लावायचं असेल एम ए एन एम ए एन मंग। ओके झालं शुभ मंगल, याचे फॉन्ट पण आपण चेंज करून बघू शकतोस। ओके हे बघा फॉन्ट सॉरी असं सिलेक्ट इथून आपण फॉन्ट पण चेंज करू शकतो जो पाहिजे तो फॉन्ट। अगर आपके पास फॉन्ट नाही आहे तो फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सारे फॉन्ट इसमें चल जाते हैं, मैं आपको फॉन्ट भी दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, हिंदी मराठी फॉन्ट आप कुछ ऐसे फॉन्ट है गूगल के फॉन्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी तो ये चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ज़्यादा। ओके इसमें भी आपने रेगुलर फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट, रेगुलर फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट, ये दोनों तीनों भी डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो आप यहाँ पर फाइल में जाके परफॉर्मेंस सेटिंग में जनरल और यहाँ पर टाइप है तो यहाँ पर ईस्ट और मिडल आशियान तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्लिक कीजिए सारी लैंग्वेज आपकी चल जाएगी। ओके तो अभी फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है वो फॉन्ट देख लेते हैं। ठीक है, गूगल फॉन्ट टाइप करना है, गूगल फॉन्ट जी डबल ओ गूगल फॉन्ट एफ ओ एन टी फॉन्ट्स। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट्स गूगल डॉट कॉम ऐसी वेबसाइट खुलेगी। ओके तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए आपको कैसे डाउनलोड करके लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
कैटेगरी दिखाई देगी, यहाँ पर स्टार्टिंग ट्रेंड दिखाई देगा, ट्रेंडिंग में कौन से लैंग्वेज अभी चालू है, कौन से फॉन्ट चालू है ये दिखाई देता है। यहाँ पे पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर कौन से हो गए वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आपल्याला सिलेक्ट करायची आहे ती देवनागरी। ओके, देवनागरी में अगर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया तो इसमें आपको मराठी, हिंदी ये सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप है साइलेंट वेब जो है। ओके, तो इसमें आपको जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना है तो वहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे कि एक करना है, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर सिलेक्ट होता है। ठीक है, तीन कर लिया, और भी करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर एक, चार, और कौन सा लेते हैं, एक, पाँच, छः, और एक चाहिए सात। ओके, सात, आठ, नौ। ओके, ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कस्टमाइज में आइए। कस्टमाइज में आपको क्या होगा कि जो बोल्ड है, जो स्टैंडर्ड है, मिडल है, ये सारे के सारे फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे फॉन्ट के अंदर के जो ऑप्शंस है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे आप सिलेक्ट कीजिए, इसके फोल्डर बनेंगे अलग अलग, तो भी कोई बात नहीं। ओके, कस्टमाइज पर आप सारे के सारे फॉन्ट ऐसे सिलेक्ट कीजिए, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, बड़ा करना है, छोटा करना है, नॉर्मल रखना है। ओके, तो यहाँ पर देवनागरी भी सिलेक्ट रखिए और डाउनलोड। ओके, इसकी एक जिप फाइल बनेगी, अपने डेस्कटॉप पर हो, डाउनलोड पर हो, आप जहाँ पर चाहिए हो वहाँ पर सेव कीजिए। ठीक है, शो इन फोल्डर, अपने डेस्कटॉप पर फाइल आ गई। ओके ओके, तो इसको एक्सट्रैक्ट करके लीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके ओके, तो आप एक्सट्रैक्ट फाइल फोल्डर हो गए और इसमें सारे देखिए आपके फोल्डर बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक एक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको जो चाहिए हो, और सभी को भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए ऐसे सेलेक्ट करके और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, हेलेंथ बोल्ट नाम का फॉन्ट इंस्टॉल हो गया, तो अब देखिए फोटोशॉप में बंद करके चालू करता हूँ तो फॉन्ट दिखाई देगा। ठीक है, फोटोशॉप में भी चलेगा, वर्ल्ड में भी चलेगा, सारी जगह पर आपको ये फॉन्ट चल जाते। ओके, कंट्रोल एन, न्यू फाइल, वेव 1920। ओके, देखिए अभी बड़ा कर लिया और यहाँ पर हिंदी। ओके, एस ए टी आई एस एच। ओके, टी आर आई टी आर। ओके, भले रहो, आर ए। ओके, और फॉन्ट पर चेंज करूंगा। मला वाटते ते फॉन्ट खाली आला असावा, हाँ इथे आला। ओके, हाँ इधर नीचे आ जाते वो फॉन्ट सारे। ठीक है, तो इसमें भी आपके टाइप। ओके, तो आप सारे फॉन्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। गूगल के जो फॉन्ट है वो सारे सब फोटोशॉप सीसी में नीचे आ जाते हैं। ओके ठीक है, तो आपने मराठी टाइपिंग हो गई, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आता है, पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी बटन प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।